अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको मिक्स वर्ल्ड के इंसर्ट के ऑप्शन समझाऊंगा। तो होम के पहले ही हमने ये समझाए थे, अगर किसी दोस्त को कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है। तो हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि हमारा होता है कवर पेज। कवर पेज हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद है टेबल। टेबल हमने, जैसे कि हमने यहाँ पर टेबल पर क्लिक किया, टेबल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम टेबल उठा सकते हैं, जैसे कि 10x8 टेबल उठा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा उठाने हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल का। जैसे हम इंसर्ट टेबल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉलम्स आ जाएंगे और नंबर्स ऑफ रो आ जाएंगे। अभी जितने कॉलम चाहिए होंगे तो यहाँ पर हम कॉलम टाइप करेंगे और रो जितनी चाहिए होंगी तो वो हम यहाँ पर रो टाइप कर लेंगे ना, जैसे कि हमने यहाँ पर ये 12। उसके बाद ओके किया। ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारे पेज पर ऐड हो जाएंगे। जितनी भी हमें चाहिए होंगे वो हम ऐड कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आ जाता है, ये डिज़ाइंस भी आ जाते हैं। डिज़ाइन में से कोई भी आप डिज़ाइन लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी, डिज़ाइन जैसा भी आपने लगाना हो। उसके बाद लेआउट का ऑप्शन आता है, लेआउट पर क्लिक करने के बाद इसे मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हम आगे एक कैलेंडर बनाऊँगा तो उसके अंदर मैं समझाऊँगा अभी आपको, ठीक है जी दोस्तों। उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट में। दोबारा से इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद टेबल बनाते हैं, मतलब कैलेंडर बनाना समझा रहा हूँ आज मैं आपको। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ये हमारा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से 7x7 टेबल उठा लेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारा ये टेबल ऐड हो गया। टेबल ऐड होने के बाद यहाँ से इसका साइज ऐसा है इंक्रीज कर लेंगे, मतलब ज़्यादा कर लेंगे इसे। उसके बाद फर्स्ट वाली जो रो है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, लेआउट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम जनवरी, जनवरी लिखा। उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद बोल्ड कर दिया और साइज इसका थोड़ा बड़ा भी किया और इसे सेंटर भी कर लिया। सेंटर करने के बाद यहाँ पर हमने दूसरी रो में फॉक्स बॉक्स 1 पर क्लिक किया। उसके बाद वीक लिखने, मतलब कि मंडे, टैब का बटन होता है कीबोर्ड में, उसके बाद टैब करना है। टैब के बाद मंडे के बाद ट्यूसडे हो जाएगा, फिर वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर उसके बाद यहाँ पर आना है। अब यहाँ पे हमें ये चेक कर लेना है क्या भाई जनवरी कहाँ से शुरू होता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डेट टाइम पर, डेट टाइम पर तो यहाँ पर हमारे शुरू हो जाएगा सैटरडे से, मतलब कि एस यू, ये एस यू होता है सैटरडे, संडे, मंडे जो होता है ना, तो यहाँ से ये शुरू होता है। उसके बाद हम यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने 1 के बाद टैब, फिर टैब का बटन प्रेस करेंगे। टैब का बटन प्रेस करने के बाद 2 लिखेंगे ना, जैसे कि 2 लिखा, 3, 4, 5 ऐसे हम लिखते जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 30। ये कितने महीने का होता है? 31 का होता है मेरे ख्याल, 31 है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये यहाँ पर हमारा ये कम हो गया, थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिज़ाइन का ऑप्शन है, डिज़ाइन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। सो ये थोड़ा सा हमारा ये गलत भी हो गया है और यहाँ पर ये 26 के बाद यहाँ पर 27 फिर 28। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर,
रो डिलीट हो जाएगी, तो इसे क्लिक कर कर 27 हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा 28, फिर उसके बाद हो जाएगा 29, उसके बाद हो जाएगा 30, फिर ये उसके बाद 31, ऐसे करके हमें ये टाइप कर। इसके बाद डिज़ाइन का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पर जाएंगे, यहाँ से एक डिज़ाइन ऐड कर देंगे, जो भी डिज़ाइन ऐड करना होगा वो डिज़ाइन ऐड करेंगे। डिज़ाइन ऐड करने के बाद उसके बाद ये जो हमने बॉक्स बनाया था ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम करेंगे यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कीबोर्ड में डुप्लीकेट का ऑप्शन है, कंट्रोल डी करेंगे और इसे यहाँ से ड्रैग कर कर यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे। जैसे हम ऐड करेंगे फिर उसके बाद कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद इसे दोबारा से यहाँ से इसे यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। अगर स्टाइल लगाना है इसी के अंदर क्लिक करना पड़ेगा, डिज़ाइन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर डिज़ाइन ऐड करना पड़ेगा, जो भी आप ऐड करना चाहोगे वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद अभी हमें पूरे ईयर्स के बनाने हैं ना, तो हम ऐसे करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, दूसरे को क्लिक करेंगे। कैसे? तो शिफ्ट का बटन प्रेस किया, इसे क्लिक किया, इसे क्लिक किया, देखो तीनों सेलेक्ट हो गए। तीनों सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ से करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद इसे हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये ऐड किया, ऐड करने के बाद दोबारा से कंट्रोल डी करते हैं, फिर इसे डाउन साइड पर ड्रैग कर कर रख देते हैं ऐसे, फिर डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ से इसे ड्रैग कर कर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसे ऐड किया, ऐड करने के बाद देखें ये सब हो गए। अभी जिस पर भी हमें डिज़ाइन ऐड करना है तो डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन ऐड करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर डिज़ाइन ऐड करेंगे, मतलब कि जो जो डिज़ाइन ऐड करना है उस वो डिज़ाइन आप ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पर है। अभी मैं यहाँ पर सब पर मैं आपको डिज़ाइन ऐड कर कर समझा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, समझ में भी आ गया, मैंने समझा तो ऐसे दिया है। अगर किसी को जो समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर कर पूछ भी सकता है। हुआ देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त कैलेंडर बन गया। अभी सबसे पहले हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और एक स्टाइल उठा लेंगे। स्टाइल उठाने के बाद स्टाइल उठाएंगे और इसे यहाँ से ड्रैग कर कर यहाँ से उठाकर पेज नंबर पर ले जाएंगे, सबसे ऊपर, मतलब जहाँ पर हमारा पेज है, ये इसे यहाँ पर रखा। अभी इसे हमने इसे सेलेक्ट किया, इसे बैक स्पेस से रिमूव भी कर लिया और यहाँ पर लिख दिया हमने ईयर, मतलब के वाई ई ए आर, ईयर कौन से ईयर का है? 2022 का है, तो यहाँ पर हम 2023 लिखने के बाद इसे हम सेलेक्ट करेंगे और होम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देंगे, मतलब कि जो भी स्टाइल लगाना होगा वो स्टाइल लगाएंगे और इसे थोड़ी सी सेटिंग कर कर रख देंगे और उसके बाद इसका कलर चेंज कर देंगे, जो भी कलर ऐड करना होगा वो कलर ऐड कर देंगे। तो वीडियो कंप्लीट हुई, जैसा कि हमने आज की वीडियो में कैलेंडर बनाना सीखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी सीखेंगे। तो आज टेबल का ऑप्शन इंसर्ट से हमने क्लियर किया, ये टेबल था, ये हमने क्लियर हो गया। अभी इंशाल्लाह हम पिक्चर्स और ये पिक्चर्स स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।